उधम सिंह नगर जिले में स्कूलों के एकीकरण का काम तेज कर दिया गया है। एकीकरण होने के बाद जिले के 1109 स्कूलों का एकीकरण 528 स्कूलों में किया जाएगा। इन स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जिले के स्कूलों में शिक्षक और छात्रों का अनुपात निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। कहीं शिक्षक ज्यादा थे तो कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक थी। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि स्कूलों में गुणात्मक सुधार के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 151 विद्यालयों का एकीकरण 114 विद्यालयों में हो गया है। देखिए, सभी छात्रों तक शिक्षा की व्यवस्था करने और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें स्कूलों का विलीनीकरण है, स्कूलों का एकीकरण करना है। तो उसमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है और उसमें पूरे जनपद के जो 1109 स्कूल हैं उनका विलीनीकरण और एकीकरण होना है, और जिनको 528 तक हमें ले आना है, यानी 1109 स्कूलों का जो विलीनीकरण है वो 528 स्कूलों में होना है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि ये सरकार की अच्छी योजना है। ग्रामीण इलाकों में सरकार स्कूलों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इससे शिक्षा में सुधार होगा। जैसे हमारे भक्ति नगर में जो पहले स्कूल थे उससे एकीकरण के कारण स्कूल में बहुत ही फायदे हुए हैं। जैसे कि पहले टीचर कम थे, सरकारी काम भी करना पड़ते हैं, तो जब दो गुरुजी है, एक गुरुजी चले गए तो एक गुरुजी सारे जो है इस बच्चों को दिखने पड़ते थे। अभी जो है हमारे चार गुरुजी हो गए। अगर एक सरकारी काम पे अगर कहीं चले भी गया तो भी क्लास ले सकते हैं।